Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video lecture of IFRS 13, that is Fair Value Measurement. This is Murtuza Qaid from the platform of IQ School of Finance, faculty member for Financial Reporting and Taxation. आज की वीडियो का एजेंडा IFRS 13 को कवर करना है. सबसे पहले हम IFRS 13 को लाने की नीट की बात करते हैं कि क्यों IFRS 13 एक फेयर वैल्यू मेजरमेंट के लिए सेपरेट स्टैंडर्ड लाया गया. देखिए IFRS 13 से पहले डिफरेंट एसेट और लाइबिलिटीज की फेयर वैल्यू मेजर करने की जो रिक्वायरमेंट थी वो हर स्टैंडर्ड में अलग अलग गिवन थी. लाइक IFRS 9 में था या IAS 39 में था कि किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से फेयर वैल्यू किया जाता है. IAS 16 में था कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को किस तरह से फेयर वैल्यू किया जाता है. IAS 40 में था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस तरह से फेयर वैल्यू किया जाएगा. अब हर स्टैंडर्ड में रेलेवेंट एसेट या लाइबिलिटीज की फेयर वैल्यू मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट्स तो थी, लेकिन कुछ जगहों पे ये रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती थी. तो फिर एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम पे एक नीड क्रिएट हुई कि हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके तहत हम डिफरेंट एसेट या लाइबिलिटीज की फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर सके. और फिर IFRS 13 वजूद में आया. IFRS 13 की जो इफेक्टिव डेट रखी गई थी वो रखी गई थी फॉर एनुअल पीरियड बिगनिंग ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2030. बेसिकली इस स्टैंडर्ड के तीन ऑब्जेक्टिव्स या तीन एजेंडा आइटम्स हैं. नंबर वन, किसी एसेट या लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना, किसी एसेट या लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू डिफाइन करना. नंबर टू, हमारे पास एक सिंगल IFRS मौजूद हो जो कि हम एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे कि किसी भी एसेट या लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू किस तरह से मेजर की जाएगी. एंड नंबर थ्री, कि जब आप किसी एसेट या लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू मेजर करोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंट फॉर करोगे तो इससे रिलेटेड क्या चीज़ें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज की जा रही होगी. अब एक चीज आपने यहाँ ये समझनी है कि IFRS 13 का ये स्टैंडर्ड आपको ये बताता है कि किसी भी एसेट या लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू मालूम कैसे की जाएगी. ये बात नहीं करता कि किसी एसेट या लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू को मालूम करना कब है. वो हमें रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बताएगा. फॉर एग्जाम्पल कि IFRS 9 हमें बताएगा कि किसी फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लाइबिलिटी को फेयर वैल्यू कब करना है. फॉर एग्जाम्पल IAS 40 हमें बताएगा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू कब करना है. IFRS 13 आपको ये बात बता रहा होगा कि उसकी फेयर वैल्यू किस तरह से मेजर की जा रही होगी. अब सबसे पहले फेयर वैल्यू की डेफिनेशन देखते हैं. फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट. देखिए ये एक ऐसी प्राइस है जो किसी एसेट को सेल करके रिसीव की जा सकती है, किसी लायबिलिटी को ट्रांसफर करने के नतीजे में आपको बेयर करनी पड़ेगी. और इसको IFRS 13 नाम देता है एग्जिट प्राइस का. व्हाट इज एग्जिट प्राइस? एग्जिट प्राइस इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी. फिर आगे लिखता है इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन, यानी कि ये कोई फोर्स ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए. ये एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, कोई फोर्स ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए. और तीसरा यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल करता है बिटवीन दी मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट, यानी कि जो भी फेयर वैल्यू आप डिटरमाइन करोगे वो बेसिकली मार्केट बेस्ड होगी ना कि एंटिटी बेस्ड, यानी कि जो हम फेयर वैल्यू मालूम करेंगे वो मार्केट बेस्ड फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे ना कि किसी स्पेसिफिक एंटिटी बेस्ड फेयर वैल्यू डिटरमाइन की जा रही होगी. अब फेयर वैल्यू की डिटरमिनेशन में बेसिकली हम चार चीजों को कंसिडर कर रहे होंगे, चार चीजों का हम अकाउंट फॉर कर रहे होंगे. नंबर वन एसेट एंड लाइबिलिटीज, नंबर टू नॉन फाइनेंशियल एसेट यूज, नंबर थ्री प्रिंसिपल इन मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट एंड नंबर फोर वैल्यूएशन टेक्निक. इन चारों के हवाले से हम डिटेल में अपनी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे. पहले हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले आपने ये डिटरमाइन करना है कि जो आप एसेट या लाइबिलिटी जिसकी फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने लगे हो उसका यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है, यानी कि उसकी कंसिस्टेंटली हम ये देखेंगे कि उसका यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है, आदर वो कोई सिंगल एसेट या लाइबिलिटी है या फिर कोई ग्रुप ऑफ एसेट या लाइबिलिटी है. सेकेंडली नॉन फाइनेंशियल एसेट. अब ये एरिया सिर्फ नॉन फाइनेंशियल एसेट के हवाले से जिक्र किया जा रहा होगा कि किसी नॉन फाइनेंशियल एसेट की फेयर वैल्यू, नॉन फाइनेंशियल एसेट या नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू किस तरह से डिटरमाइन की जा रही होगी. यहाँ पे हम नॉन फाइनेंशियल एसेट की हाईएस्ट और बेस्ट यूज को देख रहे होंगे कि आइदर हम एसेट को बेच सकते हैं या हम एसेट को इंटरनली यूज कर सकते हैं. तीसरा हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे प्रिंसिपल और मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट का. और चौथा हम अपनी मेजरमेंट के लिए कोई ना कोई वैल्यूएशन टेक्निक्स फॉलो कर रहे होंगे. बेसिकली यहाँ पे हम डिफरेंट अवेलेबल डाटा को यूज़ कर रहे होंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के हवाले से, मार्केट कंडीशन के हवाले से. और एक फेयर वैल्यू हायरार्की का एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम इस चौथे एरिया में कवर करेंगे. सबसे पहले आप जिस भी एसेट या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने लगे हो सबसे पहले आप ये देखोगे कि आदर वो कोई सिंगल एसेट या लायबिलिटी है या फिर कोई ग्रुप ऑफ एसेट है. बेसिकली एसेट का स्टैंड अलोन होना या सिंगल एसेट या लाइबिलिटी को होना या ग्रुप ऑफ एसेट्स या लाइबिलिटीज का होना ये चीज़ कहलाई जाती है यूनिट ऑफ अकाउंट,
यानी कि आप ये देखोगे, यानी कि आप ये देखोगे कि आप जो एसेट एल एफ डी बेच रहे हो क्या वो कोई सिंगल सेपरेट एसेट है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक कंपनी अपना कोई एक स्पेसिफिक मोटर व्हीकल सेल करने लगती है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी अपनी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सेल करने लगती है, या फिर ये कोई ग्रुप ऑफ एसेट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के पास किसी इन्वेस्टिंग कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हो जो कि उस इन्वेस्टिंग कंपनी में कंट्रोलिंग शेयर्स को रिप्रेजेंट करे। तो सबसे पहले आप एक यूनिट ऑफ अकाउंट इस्टेब्लिश करोगे कि आइदर आपका एक सेपरेट एसेट या स्टैंड अलोन एसेट एल एफ डी की फेयर वैल्यू डिटरमाइन की जा रही है, या फिर एक ग्रुप ऑफ एसेट और लाइबिलिटीज की फेयर वैल्यू डिटरमाइन की जा रही है। और सेकेंडली जब हम एक एसेट या लाइबिलिटी देखेंगे तो हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स को देख रहे होंगे कि उस एसेट की कंडीशन क्या है, उस एसेट की लोकेशन क्या है, कहीं उसको सेल करने के हवाले से, ट्रांसफर करने वाले से हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। तो हम एसेट और लाइबिलिटीज की कंडीशंस देख रहे होंगे कि किस साल में हमारे पास एसेट है, किस जगह पे हमारे पास एसेट रखा हुआ है, और अगर हम एसेट या लाइबिलिटी को सेल करने लगे तो क्या इसकी सेल के ऊपर या ट्रांसफर के ऊपर कोई ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन वगैरह तो नहीं है, आइदर लीगल और आइदर एनी अदर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन। इसके बाद IFRS 13 की जो फेयर वैल्यू मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये अज्यूम करती है कि किसी एसेट को सेल करना या किसी लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना आप प्रिंसिपल मार्केट में परफॉर्म करोगे, और अगर किसी चीज़ की प्रिंसिपल मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हम मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट को सेलेक्ट कर रहे होंगे। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिंसिपल मार्केट क्या चीज़ है। प्रिंसिपल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे किसी एसेट या लाइबिलिटी का हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ट्रेड होता है। किसी भी एसेट या लाइबिलिटी का ट्रेडिंग वॉल्यूम या ट्रेडिंग एक्टिविटी जहाँ पे सबसे ज्यादा होगा उसे हम प्रिंसिपल मार्केट कह रहे होंगे। और जरूरी नहीं है कि किसी एसेट की प्रिंसिपल मार्केट हर कंपनी के लिए सेम हो। फॉर एग्जांपल कि अगर एक एसेट है और वो तीन तरह की मार्केट में ट्रेड हो सकता है, तीन तरह की मार्केट में ट्रेड होता है, हो सकता है कि कंपनी का मार्केट वन में एक्सेस ही ना हो। तो अगर एक कंपनी का मार्केट वन में एक्सेस ही नहीं है तो फिर हम ये देखेंगे मार्केट टू और मार्केट थ्री में से हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पर है, और मार्केट टू और मार्केट थ्री में से जहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम होगा वो मार्केट उस रेलेवेंट कंपनी के लिए प्रिंसिपल मार्केट बन जाएगी। तो प्रिंसिपल मार्केट इज द मार्केट विद द ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंटिटीज। और अगर किसी एसेट या एफडी की प्रिंसिपल मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर आप उस एसेट की मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट को देखोगे। मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट का मतलब है कि ऐसी मार्केट जहां पे एक एसेट को सेल करके हम मैक्सिमम अमाउंट रिकवर कर सकें, या फिर जहां पे किसी एसेट को सेल करने में हमारी मिनिमम कॉस्ट लग रही हो, हमारा मिनिमम अमाउंट लग रहा हो। तो जहां पे एक एसेट को सेल करने के नतीजे में सबसे ज्यादा अमाउंट मिल रहा होगा, या फिर जहां पे एक एसेट को सेल करने के लिए हमारा कम से कम खर्चा हो रहा होगा, हम इन दोनों के बेसिस पे ये डिटरमाइन करेंगे कि हमारे लिए मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कौन सी है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास जो IFRS 13 में, वो हमारे पास वैल्यूएशन टेक्निक के हवाले से। देखिए जब भी कोई कंपनी किसी फाइनेंशियल एसेट या किसी फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने लगेगी तो उस फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए कोई ना कोई एक वैल्यूएशन टेक्निक को फॉलो कर रही होगी, कोई ना कोई एक वैल्यूएशन टेक्निक को यूज करेगी। अब वैल्यूएशन टेक्निक को सेलेक्ट करने से पहले, वैल्यूएशन टेक्निक को यूज करने से पहले आपने ये देखना है कि आपके रेलेवेंट एसेट या लायबिलिटी के लिए कौन सी वैल्यूएशन टेक्निक सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। इसके लिए आप करोगे ये कि जिस भी एसेट या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हो आप ये देखोगे कौन सी वैल्यूएशन टेक्निक सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है गिवन द सर्कमस्टांसिस, गिवन द एसेट, गिवन द लायबिलिटी। किस वैल्यूएशन टेक्निक के लिए हमारे पास सफिशिएंट डाटा अवेलेबल है, हम ऑब्जर्वेबल यूनिट्स के यूज को मैक्सिमाइज कर रहे होंगे, हम अनऑब्जर्वेबल यूनिट्स के इनपुट्स के यूज को मिनिमाइज कर रहे होंगे, और ये तीन चार इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हुए हम कोई ना कोई एक वैल्यूएशन टेक्निक को यूज करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे रेलेवेंट एसेट या केस में कौन सी सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट टेक्निक है, किसका सफिशिएंट डाटा अवेलेबल है कि हम फेयर वैल्यू मेजर कर सके, ऑब्जर्वेबल इनपुट को मैक्सिमम यूज करेंगे, अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स को कम से कम यूज करेंगे, और डिफरेंट वैल्यूएशन टेक्निक्स को फिर यूज किया जाएगा किसी भी एसेट या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। अब हमारे पास तीन वैल्यूएशन टेक्निक्स अवेलेबल है। नंबर वन इज मार्केट अप्रोच, नंबर टू इज कॉस्ट अप्रोच, एंड नंबर थ्री इज इनकम अप्रोच। इन तीनों के नाम से हमें काफी अंदाजा हो जाता है कि इन तीनों अप्रोचेस में हमारे पास किस तरीके से एसेट की फेयर वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें मार्केट अप्रोच की, तो मार्केट अप्रोच में क्या होगा कि मार्केट डेटा को यूज किया जाएगा। मार्केट में हमारे एसेट लायबिलिटी या हमारे एसेट लायबिलिटी से मिलते जुलते सिमिलर एसेट लायबिलिटी के लिए क्या प्राइस चार्ज की जा रही है, कस्टमर इस एसेट लायबिलिटी के लिए क्या प्राइस विलिंग टू पे है, उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, उस प्रोडक्ट की सप्लाई क्या है, और डिफरेंट मार्केट डेटा को यूज करते हुए, मार्केट मल्टीपल्स को यूज करते हुए, इवन बहुत सारी जगहों पे आप शेयर सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज वगैरह के केसेस में देखोगे कि मार्केट के बेंचमार्क्स को देखा जा रहा होगा, और बेसिकली मार्केट डेटा को यूज करते हुए हम जो फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर रहे होंगे वो हमारी वैल्यूएशन टेक्निक मार्केट अप्रोच कराई जा रही होगी। सेकंड टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है कॉस्ट अप्रोच। अब कॉस्ट अप्रोच हम जनरली इस्तेमाल कर रहे होते हैं नॉन फाइनेंशियल एसेट की फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए।
नॉन फाइनेंशियल एसेट की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए जो कॉस्ट अप्रोच है, इसमें वो बात करता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट की। यानी कि अगर मेरे पास कोई एसेट मौजूद है और मैं उसकी फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि उस एसेट की करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक एयर कंडीशन मौजूद है जो कि 2 साल पुराना है, एक एक्स कंपनी का, 2 टन की इसकी कैपेसिटी है। अब मैं ये देखूंगा कि सिमिलर कंपनी का या किसी और कंपनी का 2 टन का एसी मार्केट में कितने का अवेलेबल है, यानी कि उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है। प्लस चूंकि हमारा एसेट 2 साल पुराना हो चुका है, तो उसमें ऑब्सोलेंस, उसकी जो लाइफ लेस्ट हो चुकी है, उन चीज़ों के फैक्टर को एडजस्ट करके हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट की मदद से कॉस्ट अप्रोच फॉलो करते हुए हम किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर रहे होंगे। और तीसरा अप्रोच हमारे पास अवेलेबल है, इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच में क्या होगा कि हम किसी एसेट लायबिलिटीज के फ्यूचर अमाउंट्स को, ये फ्यूचर रेवेन्यू हो सकते हैं, ये फ्यूचर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या फ्यूचर कैश फ्लोस हो सकते हैं, उनकी डिस्काउंटिंग करके एक सिंगल प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन कर रहे होंगे। और इनकम अप्रोच फॉलो करते हुए एसेट की या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी। इसमें हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल है। प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच है, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक है, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स है, मल्टी पीरियड एक्सेस अर्निंग मेथड्स हैं। इन डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स को फॉलो करते हुए, इनकम अप्रोच को यूज करते हुए एसेट की या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी। अब देखिए, ये तीनों मेथड्स एक प्रायोरिटाइज और एक सीक्वेंस में लिखे हैं। यानी आपकी सबसे ज्यादा कोशिश ये होगी कि आप मार्केट अप्रोच को इस्तेमाल करो। अगर मार्केट अप्रोच इस्तेमाल ना हो सके तो फिर आप कॉस्ट अप्रोच और इनकम अप्रोच की तरफ आओगे। यानी कि आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि हम सबसे पहले मार्केट डेटा को इस्तेमाल करेंगे। अगर मार्केट डेटा अवेलेबल ना हो तो फिर हम कॉस्ट अप्रोच या इनकम अप्रोच के तहत एसेट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर रहे होंगे। और जो भी वैल्यूएशन टेक्निक फॉलो या अडॉप्ट की जाएगी, उसे हमें कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। अगर एक एसेट या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए एक रेलेवेंट अप्रोच पिक की जा रही है, एक रेलेवेंट वैल्यूएशन टेक्निक पिक की जा रही है, तो उसे हमें कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। हम वैल्यूएशन टेक्निक को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज बेसिकली कहलाया जाएगा चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। और इसे हम बेसिकली प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर रहे होंगे, सिर्फ उस वक्त अप्लाई कर रहे होंगे जब हम अपना अकाउंटिंग एस्टीमेट्स के चेंज की वजह से ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेयर वैल्यू क्रिएट कर सके। तो अकाउंटिंग या वैल्यूएशन टेक्निक का चेंज अलाउड है, लेकिन ओनली इन लाइन विद IAS 8, दैट इज प्रोस्पेक्टिवली इसको हम चेंज कर रहे होंगे। और ये देखते हुए कि हमारे पास अकाउंटिंग एस्टीमेट्स को चेंज करने की वजह से ज्यादा बेहतर फेयर वैल्यू डिटरमाइन हो रही हो। अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास फेयर वैल्यू हायरार्की का। देखिए, जैसे कि हमने वैल्यूएशन टेक्निक में ये जिक्र किया कि जब आप किसी भी वैल्यूएशन टेक्निक को यूज करते हुए किसी एसेट या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करोगे, तो आपने ऑब्जर्वेबल इनपुट के यूज को मैक्सिमाइज करना है और अनऑब्जर्वेबल इनपुट के यूज को मिनिमाइज करना है। तो बेसिकली यहाँ पे अगली स्लाइड में आपको, अगले एरिया में आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी फेयर वैल्यू हायरार्की क्या होगी, किन इनपुट्स को इस्तेमाल किया जा रहा होगा, कौन से ऑब्जर्वेबल इनपुट्स को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, और किस तरीके से इसकी अप्रोच या प्रायोरिटी डिटरमाइन की जा रही होगी। तो बेसिकली IFRS 13 फेयर वैल्यू हायरार्की को 3 कैटेगरीज में ब्रेक करता है। नंबर 1 Level 1, Level 2 एंड Level 3। Level 1 में हम कोटेड प्राइसेस लेते हैं आइडेंटिकल एसेट आइडेंटिकल लायबिलिटीज की किसी भी एक्टिव मार्केट में। अगर हम अपने एसेट या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, तो हम उसकी एक्टिव मार्केट में कोटेड प्राइस देखेंगे कि एंटिटी के पास क्या कोटेड प्राइस अवेलेबल है एक एक्टिव मार्केट में किसी एसेट या लायबिलिटी की। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स अवेलेबल हैं और वो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो स्टॉक एक्सचेंज पे जो उसकी कोटेड प्राइस आ रही है, वो हमारा Level 1 फेयर वैल्यू हायरार्की के तहत होगा कि हम उस इनपुट को इस्तेमाल करेंगे उस शेयर्स की फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। इसके बाद अगला लेवल है हमारे पास Level 2। Level 2 में हम इनपुट इस्तेमाल करते हैं अदर देन कोटेड प्राइसेस। यानी कि अगर किसी एसेट या लायबिलिटी की कोटेड प्राइस अवेलेबल ना हो, तो फिर हम Level 2 पर आते हैं। अब Level 2 में हम क्या करेंगे कि हम एसेट या लायबिलिटीज के ऑब्जर्वेबल्स, एसेट या लायबिलिटीज के ऑब्जर्वेबल्स या प्राइसिंग को यूज करेंगे अदर देन कोटेड मार्केट प्राइस। इसमें हम देख रहे होंगे कि सिमिलर एसेट या लायबिलिटी की एक्टिव मार्केट में क्या कोटेड प्राइस चल रही है, सिमिलर या आइडेंटिकल एसेट्स की इनएक्टिव मार्केट में क्या कोटेड प्राइस चल रही है, अदर ऑब्जर्वेबल इनपुट्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे, मार्केट कॉर्पोरेटिव इनपुट अप्रोच को इस्तेमाल कर रहे होंगे, और डिफरेंट चीज़ों को फॉलो करते हुए Level 2 के तहत फेयर वैल्यू हायरार्की डिटरमाइन की जा रही होगी। देखें, जिस एसेट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो कोटेड प्राइस में ट्रेड हो रहा है, तो कोटेड प्राइस इस Level 1 फेयर वैल्यू हायरार्की। जिस एसेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक्टिव मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा, तो फिर हम ये देखेंगे कि सिमिलर एसेट लायबिलिटी की एक्टिव मार्केट प्राइस, एक्टिव मार्केट में क्या कोटेड प्राइस है, या सिमिलर और आइडेंटिकल एसेट लायबिलिटी की इनएक्टिव मार्केट में क्या कोटेड प्राइस है, अदर ऑब्जर्वेबल इनपुट्स और मार्केट कॉर्पोरेटेड इनपुट्स को यूज करेंगे। और इन केस के अगर हमारे पास Level 1 के इनपुट भी अवेलेबल ना हो, Level 2 के भी इनपुट अवेलेबल ना हो, तो फिर हम Level 3 पर आएंगे, जहाँ पे हम अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स और अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स फॉर एसेट और लायबिलिटीज को इस्तेमाल करेंगे। किसी कंपनी के लेट्स से कि शेयर्स की वैल्यूएशन करनी है,
और उन शेयर्स वो शेयर्स मार्केट में कोटेड भी नहीं है, हमें इस तरह का कोई नॉन एक्टिव मार्केट में या सिमिलर एसेट का डेटा भी नहीं मिल रहा, तो फिर हम उस कंपनी के फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, हिस्टोरिकल बैलेंस शीट के नंबर्स और इस तरह की एडजस्टमेंट्स को करते हुए उस एसेट की कोई ना कोई फेयर वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी। देखें, अगर एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, कोटेड प्राइस इजीली मिल जाएगी। एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है लेकिन उससे मिलती जुलती कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो लेवल टू। एक कंपनी ना स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है ना उससे मिलती जुलती कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो फिर हम लेवल थ्री इस्तेमाल करेंगे। लेवल थ्री में जिस कंपनी की वैल्यूएशन की जा रही है उसकी फाइनेंशियल फोरकास्ट देखा जा रहा होगा कि फ्यूचर में क्या इनकम और एक्सपेंसेस या फोरकास्टेड कैश फ्लोज हैं, उसकी बैलेंस शीट पे क्या हिस्टोरिकल नंबर्स चल रहे हैं, और इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम लेवल थ्री टेक्निक फॉलो कर रहे होंगे। हमने जहन में ये रखना है कि जब हम फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो हम अपने ऑब्जर्वेबल इनपुट्स के यूज़ को मैक्सिमाइज करेंगे, अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स के यूज़ को मिनिमाइज कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट समरी थी आईएफआरएस 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट की। इसके साथ साथ आपके साथ एक आर्टिकल शेयर किया जाएगा आईएफआरएस 13 का, तो आई वुड रिकमेंड कि लाजमी आपने उस आर्टिकल को रीड करना है। एग्जाम परस्पेक्टिव से आईएफआरएस 13 पे कोई न्यूमेरिकल का सवाल तो नहीं आ सकता, कोई छोटा मोटा 2-4-5 मैक्सिमम 5 मार्क का आपसे कोई ना कोई थ्योरेटिकल या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट किया जा सकता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।